बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ खान मानसा शहजादी, जावेद पब्लिशर्स में खुश आमदीद। हम प्लस उर्दू का कायदा अलिफ जीम पढ़ रहे हैं। आज हम रे और अड़े बच्चों को इसकी आवाज़ भी सिखाएंगे, इसकी पहचान भी करवाएंगे और रे अड़े से बनने वाले अल्फाज भी पढ़ना सिखाएंगे। तो चले आए चलते हैं सफ़े की तरफ। प्यारे बच्चों, रेलगाड़ी का सफ़र किस किसने किया है, ज़रा सोच सोच के बताइएगा जी। अच्छा, आपने रेलगाड़ी का सफ़र किया है? बहुत आराम आराम से चलती है, बहुत मज़ा आता है रेलगाड़ी के सफ़र पर। अच्छा, मैं अब आपको कुछ तस्वीरें दिखा रही हूँ, आपने उन तस्वीरों को पहचानना है, मुझे उनके नाम बताने हैं। किसी चीज़ का नाम नहीं आता तो कोई बात नहीं, मैं आपको बताऊँगी कि वो क्या है, फिर हम मिल के उसका नाम पढ़ना सीखेंगे, ठीक है? अच्छा, मुझे ये बताओ ये क्या है? हाँ, ये रेलगाड़ी है, वेरी गुड। अच्छा, अब मुझे ये बताओ ये क्या है? ये क्या है? नहीं, पांडा नहीं है, ये रीछ है जी, ये रीछ है, वेरी गुड। ये बताओ ये क्या है? रेजर नहीं, इसको हम उर्दू में रबड़ कहते हैं जी, ये रबड़ है। अच्छा, मुझे ये बताओ ये क्या है? हम रोज खाते हैं, ये रोटी है जी। आप जरा गौर करें तो इसकी आवाज़ें ज़रा गौर से सुने। मैं आपके सामने नाम लेती हूँ, आप ज़रा गौर से सुनिए, खामोशी से सुनिएगा। रेलगाड़ी, रीच, रबड़, रोटी। इसकी तो पहली आवाज़ र, 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 इसकी तो पहली आवाज़ र है। हाँ, रे र, रेल गाड़ी, रीच, रबड़, रोटी। इसकी आवाज़ क्या है? हाँ बिल्कुल, यही इसकी आवाज़ है। अब हम जल्दी जल्दी से इनके नाम पढ़ेंगे, रेलगाड़ी, रीच, रबड़, रोटी, वेरी गुड। अच्छा, मुझे ये बताओ, ये जो तस्वीरें आप देख रहे हो, इसके साथ ही आपको इन तस्वीरों के हीजे नज़र आ रहे हैं, जो लफ्ज़ लिखे हुए हैं इनके हीजे नज़र आ रहे हैं। अब जहाँ जहाँ आपको रे लिखा हुआ नज़र आ रहा है उसको सर्कल करें जल्दी, आपके पास एक मिनट है, जल्दी जल्दी करके दिखाएं। वेरी गुड, सब बच्चे बहुत जल्दी काम करते हैं, आप लोग बहुत अच्छे बच्चे हो। अच्छा, इसके साथ ही मैं आपको कुछ और तस्वीरें दिखाती हूँ, ठीक है? अब आपने मुझे जल्दी से उन तस्वीरों के भी नाम बताने हैं, और फिर अगर आपको उसमें से कुछ नहीं समझ आएगी तो मैं आपको बता दूंगी, ठीक है? परेशान नहीं होना आपने। तो ये मुझे बताएं कि ये क्या है? हाँ, अभी अभी हमने उसका जिक्र किया था ना। ये पहाड़ है, वेरी गुड। और ये क्या है? हाँ, जिससे हम ऊपर भी जाते हैं और ऊपर से नीचे आते हैं, सीढ़ी जी। ये क्या है? हाँ, हमारे कमरे में लगी हुई होती है, खिड़की, वेरी गुड। और ये क्या है? हाँ, खौफनाक सा एक हथियार है, ये क्या है? कुल्हाड़ी, वेरी गुड। अब अपने दोस्त देखो, इसमें एक ही लफ्ज़ बार बार आ रहा है, वो कौन सा हर्फ है, ज़रा गौर करो, मैं बोलती हूँ आप गौर से सुनना। पहाड़, सीढ़ी, जी जी, खिड़की, कुल्हाड़ी, कौन सा हर्फ रिपीट हो रहा है? रे। जैसा कि रे की पहली आवाज़ से कोई भी हर्फ नहीं बनता, इसलिए ये दरमियान में आता है, ठीक है? तो हम दरमियानी आवाज़ को आज पढ़ रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ पर आप देखें, जो इन तस्वीरों के नीचे हीजे दिए गए हैं वहाँ पर मुझे गौर करके बताओ रे कहाँ पर लिखा हुआ है, और उसको सर्कल कर लो। अच्छा जी, करें जी जल्दी जल्दी, वेरी गुड, आपने तो बिल्कुल ठीक काम कर लिया। अब हम देखते हैं कि रे और अड़े लिखते कैसे हैं, वेरी गुड। बोर्ड के ऊपर एक नुक्ता लगाएंगे, ऊपर से नीचे की तरफ एक सीधी और फिर एक तिरछी तीर, ठीक है? ये हमारा रे लिखा जाएगा, और अगर हम इसी के ऊपर छोटी तोएं लिख देते हैं तो ये क्या बन जाएगा? अरे वेरी गुड, ये तो बहुत आसान है, आज तो हमने सिर्फ ऊपर छोटी तोएं लिखना है, तो हमारे दोनों हर्फ हम सीख जाएंगे। इसके साथ ही जावेद पब्लिशर्स की मुहैया करता वर्कबुक का इस्तेमाल करते हुए आप रे और अड़े लिखने की प्रैक्टिस करेंगे, जहाँ पे आप नुक्तों को मिलाते हुए रे और अड़े लिखना सीखेंगे। कुछ काम आप क्लास में करेंगे,
और कुछ काम होमवर्क के लिए दे देंगे। इसके साथ ही हमारे सफ़े के ऊपर आपको सरगर्मी दी गई है ताकि बच्चे बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाएं इस पेज में, एक अच्छे इन्वायरमेंट में बहुत कुछ सीख सकें। डियर टीचर्स, आपने ये सरगर्मी बच्चों से ज़रूर करवानी है। इसके साथ ही ज़खीरा अल्फाज दिए गए हैं ताकि बच्चे रे और अड़े से बनने वाले ज़्यादा से ज़्यादा अल्फाज सीख सकें। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, आपने इससे बहुत कुछ सीखा होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और जुड़े रहिए बोलती किताबों के साथ।